जो पहला मैच हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज और यहाँ का एक लोकल क्लब है अंडर 17 कैटेगरी में वो होने जा रहा है कि आज इस बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में सेंटर स्पॉन्सर स्कीम खेलो इंडिया के तहत लेट्स प्ले फुटबॉल का कंपटीशन होने जा रहा है। इसमें खास बात ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें खास करके ये एक प्रयास किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में फुटबॉल के टैलेंट को आगे लाया जाए। उसी कड़ी के तहत ये मैं कह सकता हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि आज के ही दिन पूरे जम्मू कश्मीर में लेट्स प्ले फुटबॉल का कंपटीशन होने जा रहा है। तो इन्होंने एक बीच में सेंटेंस बोला था, लेट अस प्ले फुटबॉल, आओ फुटबॉल खेलें। हम सबको पता होना चाहिए कि ये वाली गेम जो आप खेलने जा रहे हो फुटबॉल, इसको वर्ल्ड गेम कहा जाता है। यानी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें फुटबॉल ना खेला जाता हो। इवन ऐसे भी कहा जाता है कि शायद दुनिया में कोई ऐसा गांव ना होगा जहां के बच्चे फुटबॉल खेलना नहीं जानते। तो हमें अच्छे तरीके से खेलना चाहिए। किसी ने एक और बात कही थी कि फुटबॉल इज़ अ गेम प्लेड बाय सुपर ह्यूमन, यानी ह्यूमन तो होता है एक अच्छा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन होते हैं उनमें जो सबसे अच्छा ह्यूमन है फुटबॉल वही खेलता है, ये आम आदमी का काम नहीं होता। एक टूर्नामेंट लेट्स प्ले फुटबॉल जो कि सेंटर स्पॉन्सर्ड, जो कि पूरे इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट पूंछ में कम से कम 11 जोन है जो वहाँ पर ये टूर्नामेंट हो रहा है, और हमारे यहाँ पूंछ जोन में इस वक्त हमारे पास 16 टीमें हैं टोटल जो कि पूंछ जोन से आई हुई हैं, और लगभग 200 बच्चा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कितनी देर चलेगा ये? ये आज 29 और 30 तारीख को हमारा ये फाइनल मैच है। तो बच्चों को किस तरीके की फैसिलिटी है? बच्चे को हर एक फैसिलिटी है यहाँ पर, रिफ्रेशमेंट के अरेंजमेंट किए गए हैं सब कुछ जो सेंटर की तरफ से है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे जो हैं ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं ऑनलाइन पर। आज का जो टूर्नामेंट है फुटबॉल का हम करवा रहे हैं लेट्स प्ले फुटबॉल, ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है सेंटर की तरफ से, जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दी गई हैं उसी हिसाब से हम ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसमें बॉयज़ भी टीमें हैं, गर्ल्स भी हैं, टीन एज ग्रुप हैं 6 से 12, 13 से 16 और 17 से 19, इसी तरह बॉयज़ की हैं इसी तरह गर्ल्स की हैं, 16 टीमें हैं। तो जो टूर्नामेंट हम आप करवा रहे हैं इसमें जितने भी इक्विपमेंट हैं, यूनिफॉर्म है, ये सेंटर की तरफ से हमें दी गई हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर साहब ने, तो वही यूनिफॉर्म जो हमने बच्चों को दी है, फुटबॉल भी उनकी तरफ से है, नेट वगैरह जो भी इक्विपमेंट हमें वहाँ से मिला है वो भी हमने बच्चों को आज दे के जो है ये टूर्नामेंट हम आज यहाँ ग्राउंड में करवा रहे हैं।